हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम मंडे के सेशन में कौन कौन से लेवल निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो देख लेंगे, उन लेवल्स को नोट कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे कि कौन से ट्रेड हम ले सकते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हैं जिन्हें क्रॉस करते ही साथ निफ्टी बैंक निफ्टी में अच्छा मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। अगर आज के सेशन की बात करेंगे तो हमने 18,220 का एक लेवल नोट डाउन किया हुआ था और एक 18,180 का एक एरिया नोट डाउन किया था, जहाँ पे निफ्टी कई बार आके टेस्ट कर चुका है, सपोर्ट ले चुका है। आज भी उसी एरिया के पास आकर अगर देखेंगे निफ्टी ने सपोर्ट लिया और एक अच्छा रिवर्सल देखने के लिए मिला। अपसाइड में हमने कहा था 18,345 का जो लेवल है वो एक बाइंग साइड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अगर जैसे ही इसे क्रॉस करता तो हमें एक अपसाइड मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता था। बट आज के सेशन में इसे क्रॉस नहीं किया, यहीं पर कंसोलिडेट करता रहा। अब मंडे के सेशन के लिए जो लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 18,345 का जो एरिया है, जहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अगर इसे जैसे ही निकालता है तो हम अपसाइड की एक पोजीशन क्रिएट करेंगे बाइंग साइड के लिए। फर्स्ट टारगेट हमारा 18,380 के पास का होगा। सेल के लिए हमारा जो लेवल है वो होगा 18,300 का। जैसे इसके नीचे निकलेगा तो हम 18,260 के लिए एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं इसमें। तो ये दोनों लेवल निफ्टी में आप नोट कर सकते हैं, दोनों लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं निफ्टी के लिए मंडे के सेशन में। बैंक निफ्टी में हम क्या ट्रेड प्लान कर सकते हैं वो देख लेते हैं। मंडे के सेशन में बैंक निफ्टी में अगर देखेंगे, आज के लिए हमने जो बोला था 43,700 का जो लेवल था, 670 से लेकर 43,700 का जो लेवल था, हमने कहा था जैसे इसके ऊपर क्रॉस करेगा तो हम बैंक साइड की पोजीशन क्रिएट करेंगे। तो आप देख सकते हैं जैसे इसके इस लेवल को ब्रेक किया बैंक निफ्टी ने, एक अच्छा मोमेंटम देखने के लिए मिला और फर्स्ट टारगेट जो हमारा था 43,800 से 43,900 का, उस टारगेट को, दोनों हमारे टारगेट को अचीव किया है बैंक निफ्टी ने। अब मंडे के सेशन के लिए कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो सकता है बैंक निफ्टी के लिए, तो ट्रेडर्स देखिए, हो सकता है 43,700 के लेवल को टेस्ट करने आ सकता है बैंक निफ्टी फिर से, क्योंकि प्राइस एक्शन अगर आप देखेंगे कंटिन्यूसली अप साइड की तरफ बन रहा है तो हो सकता है एक बार रिटेस्ट करने के लिए आए और फिर से अपसाइड मोमेंटम दिखा सकता है। तो अगर 43,700 के एरिया के आसपास आता है तो एक रिवर्सल के एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं, यहाँ पर एक बाइंग साइड की पोजिशन क्रिएट कर सकते हैं, जिसके लिए हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो छोटा सा होगा, 43,600 के आसपास का होगा। तो ये सारे लेवल आप नोट कर लीजिए जो कि आपके मंडे के सेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब मंडे के सेशन के लिए स्टॉक मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ जो इसमें आप अपनी पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। तो स्टॉक का नाम है रिलायंस। अगर आप देखेंगे कंटिन्यूसली इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है, हायर हाई हायर लो बनाता हुआ जा रहा है, बट यहाँ पे एक एरिया जहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। अगर 2484 के लेवल को मंडे के सेशन में निकालते हैं तो हमें एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जो रिलायंस को 2500 के आसपास लेके जा सकता है, जिसमें हम स्टॉप लॉस जो लगाएंगे इस कैंडल के लो का लगाएंगे, जो ये स्विंग लो है इस लो के नीचे लगाएंगे हम, जो है 2483 का लेवल, बाइंग लेवल है 2488 का, स्टॉप लॉस है हमारा 2483 का और जो टारगेट है 2500 का है। सेल साइड में अगर हम देखेंगे 2480 के लेवल को निकालता है तो हम एक सेल साइड की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, जो जिसमें हमारा टारगेट होगा 2472 का। एक सेकंड ट्रेडर, ये 2472 का जो होगा हमारा लेवल होगा क्योंकि इसी एरिया से रिजेक्शन फेस कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है, तो ये एरिया का हमारा टारगेट होगा और जो स्टॉप लॉस होगा इस कैंडल के हाई का होगा, जो कि 2484 का है। तो ट्रेडर्स इस स्टॉक को भी इस स्टॉक पर भी नज़र बनाई रखेगा, ये आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकता है मंडे के सेशन में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ट्रेडर्स तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।